वही हाल। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अगेन। थोड़ा सा पास में आओ। सो थोड़ा सा और बस। हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल दुबे ब्रदर व्लॉग्स। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे इस चैनल में हम अनबॉक्सिंग भी करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने एक बहुत ही खास प्रोडक्ट मंगाया हुआ है जिसकी हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, जो हमारे काफ़ी सारे एंटरटेनमेंट इश्यूज़ को रिजॉल्व करता है। तो जैसा कि देख सकते हैं आप, मेरे हाथ में है एक, अरे यार इसका नाम क्या था यार, कहाँ गया। हाँ, मेरे हाथ में एक UC200 प्रोजेक्टर, यूनिक UC200 अप टू 60 इंचेस। ये मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया हुआ है और हमारे काफ़ी सारे एंटरटेनमेंट इश्यूज़ को ये रिजॉल्व करेगा। तो जैसे कि हम लोग गेमिंग वेमिंग वगैरह भी करते हैं तो उसमें हमें थोड़ा सा स्क्रीन का इशू आता है और एडिटिंग में भी इशू आता है, तो उस स्क्रीन के लिए, उस प्रॉब्लम के इशू को रिजॉल्व करने के लिए हमने ये प्रोजेक्टर मंगवाया हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग। बहुत ही रीजनेबल प्राइस में ये आपको मिल जाएगा, कोई भी मिडिल क्लास फैमिली वाला इसको ऑर्डर कर सकता है। तो चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और इसकी क्वालिटी टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि ये कैसा है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मेरा है प्रोजेक्टर और ये है अपनी देसी जुगाड़ जिससे हम सब्जियां भी काटते हैं हमारी किचन में। तो इससे करेंगे अब हम इसकी अनबॉक्सिंग। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। ड्र, ड्र, अरे भाई, अरे अरे भाई भाई भाई, ये क्या भाई है क्या। तो देख सकते हैं ये पॉलीथिन जो है वो किसी काम की नहीं है, इसको फेंको उधर पे। तो ये देख सकते हैं आप, मेरे पास है एक प्रोजेक्टर, ये थोड़ी सी पैकिंग और है, इस पैकिंग को और हम हटाते हैं और ये आप देख सकते हैं कि लाइटमेंट काफी है। तो ये गई पॉलीथिन और आ तुम्हारी। तो ये आप देख सकते हैं कि इसकी बॉक्स की क्वालिटी तो मुझे कुछ ज्यादा खास नहीं लग रही है। तो देख सकते हैं आप, मेरे पास है टेक्निकल स्पेशियन इनफो 12 वोल्ट 1.5 एम्पियर प्रोजेक्शन डिस्टेंस 400 सेंटीमीटर, पावर कंजप्शन 20 वोल्ट, मैक्सिमम डायमेंशन है इसका 108*84*, पता नहीं क्या है। एमएस साइज 60 1/10 इंचेस, लाइटिंग एलईडी है, नेट वेट इसका 0.26 केजी। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं इसका लोगो, टाइम टू एंजॉय, होम सिनेमा प्रोजेक्टर। इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो पियानो लेकर है, बुल्ट इन स्पीकर है, स्पीकर इसमें लगा हुआ है, फोकस हैंडलिंग है, टच कीज है, रिमोट कंट्रोल है और शॉर्ट फोकस लेंस है, सुपर स्मॉल साइज का है, सीएनसी मेटल कवर है। तो ये देख सकते हैं आप, यूएसबी टीएफ एलईडी प्रोजेक्टर, एंटरटेनमेंट प्रोजेक्टर। चलिए अब इसको हम खोलते हैं। बॉक्स कहाँ से खुलेगा, अरे ये यहाँ से। जैसा कि आप देख सकते हैं बॉक्स में हमें मिलती है कुछ इसकी यूजर गाइड, जो कि हमारे किसी काम की नहीं है। तो इसे हम पटकेंगे साइड में और अरे वाह यार, अरे वाह, ये क्या। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे हाथ में है यूनिक द क्रिएटर ऑफ SMP। ये रहा हमारा प्रोजेक्टर, ये इसकी टच बटन दी हुई है, पावर बटन भी टच दी हुई है, साइड में कुछ बटन दी हुई है, ओके का बटन, पावर बटन। और ये रहा प्रोजेक्टर का लेंस जो कि काफ़ी क्लासिक दिख रहा है, और ये स्पीकर दिया हुआ है, यहाँ पर स्पीकर होगा इसका। तो चलिए, ये रही हमारी डिवाइस, यहाँ पर एसबी यूएसबी लग जाती है, एवी, और इसको आप कंप्यूटर से भी कनेक्ट कर सकते हैं और अपना जो कार्ड है वो कार्ड भी लगा सकते हैं। चलिए इसको रखते हैं हम अब साइड में। और इसके साथ हमें मिल जाता है एक अडॉप्टर जिससे कि यह चलेगा। ये अडॉप्टर भी काफ़ी, डिवाइस मुझे काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी की लग रही है, लेकिन अडॉप्टर मुझे इतना प्रीमियम क्वालिटी का नहीं लग रहा है। इसको भी रखते हैं साइड में। ये मिल जाती है केबल जिसके थ्रू आप आपकी टीवी को कनेक्ट कर सकते हैं। टीवी को कनेक्ट करने के लिए है ना ये? हाँ, ऑडियो, इससे आप आपकी टीवी को कनेक्ट कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की टीवी को कनेक्ट कर सकते हैं आपके प्रोजेक्टर से। तो ये रहा हमारा यूनिका प्रोजेक्टर। तो चलिए आइए आपको इसका सिनेमेटिक व्यू दिखाता हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि हमने मंगाया हुआ है यूनिक का एक प्रोजेक्टर जो कि हमारे काफ़ी सारे एंटरटेनमेंट इश्यूज को रिजॉल्व करेगा। तो इस प्रोजेक्टर की अब हम लोग करने वाले हैं टेस्टिंग। तो हम लोग जाएंगे सबसे पहले नीचे और इसकी करेंगे टेस्टिंग। तो आई होप आप सभी लोगों को इसकी अनबॉक्सिंग पसंद आई होगी। तो ये जो यूनिक का जो प्रोजेक्टर है, अब इसकी करने वाले हैं हम लोग टेस्टिंग। तो चलो गाइस, अब करने चलते हैं हम इसकी
अनबॉक्सिंग फटाफट इसको टेस्टिंग करेंगे अपने पीसी से और इसकी क्वालिटी का जो टेस्ट है वो हम टेस्ट करेंगे। और जैसे कि आप देख सकते हैं हमने इसको कर लिया है कनेक्ट। कनेक्ट करने के लिए हमने इसको अपने लैपटॉप से कनेक्ट किया हुआ है, प्रोजेक्टर को किया हुआ है ऑन। ये रहा हमारा छोटा सा मिनी प्रोजेक्टर, इसको हमने जुगाड़ से इसके ऊपर रखा हुआ है। और ये जो प्रोजेक्टर है ये हमारे काफी सारे एंटरटेनमेंट इश्यूज को रिजॉल्व करने वाला है। तो जैसे कि मैंने आपको अपने बताया था पिछले क्लिप्स में, देख सकते हैं आप इसकी क्वालिटी। कुछ देर बाद हम इसकी टेस्टिंग भी करेंगे। तो अभी इस पर काम कर रहे हैं सौरभ दुबे। हम लोग इतनी देर से इसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन ये कनेक्ट नहीं हो रहा था। इस पर रिमोट कंट्रोल लिखा हुआ है लेकिन हमें अनबॉक्सिंग करते टाइम इसका रिमोट नहीं मिला। सौरभ दुबे इस बॉक्स को जरा एक बार खोलिए। इसके एक ट्यूटोरियल को देख के हमें समझ में आया भाई कहाँ है रिमोट। भाई कौन रखता है यार इससे नीचे रिमोट यार। हैं कहाँ रखा था रिमोट सौरभ भैया, यहाँ फंसा था, बताना रिमोट दिखाना। तो भाई देख सकते हैं कि ये है हमारे प्रोजेक्टर का रिमोट। तो भाई कौन रखता है यार ऐसे छुपा के प्रोजेक्टर का रिमोट, बताओ लो भाई रखता कौन है इधर। भैया अरे देख सकते हैं कि हमारे YouTube का जो एक वीडियो है हम्पी कॉलोनी के शहर, वो वीडियो यहाँ पर चल रहा है। इसकी क्वालिटी ज़्यादा बेस्ट नहीं है पर हमारे एंटरटेनमेंट इश्यूज़ को रिजॉल्व करती है। मूवीज़ देखने में और गेम में इसमें आपको काफ़ी मज़ा आएगा। मूवीज़ देखने में भी इसमें काफ़ी मज़ा आएगा। देख सकते हैं ये रही इसकी क्वालिटी। ये सौरभ दुबे लैब में कुछ टेस्टिंग करते हुए देख सकते हैं आप। ये देख सकते हैं आप इसकी क्वालिटी। सो हे गाइस, आई होप आप सभी लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी अनबॉक्सिंग की वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो अब हम इस प्रोजेक्टर की प्राइस की बात करें तो सौरभ दुबे इसकी प्राइस क्या पड़ी है हमें? 2800 रुपीज में हमने इस प्रोडक्ट को फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया हुआ है। यदि आपको भी कोई अपने इंटरटेनमेंट इशू से रिलेटेड, स्क्रीन साइज से रिलेटेड कोई समस्या है, कोई इशू आ रहे हैं तो आप भी इस प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हैं। इसकी प्राइस है 2800 रुपए में हमने इसको ऑर्डर किया हुआ है और ये काफी बेहतरीन है, काफी मजा आ रहा है। तो चलिए अब इसमें हम मूवी देखते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसकी जो क्वालिटी है वो क्वालिटी में थोड़ा सा इश्यू आ रहा है। इसकी क्वालिटी कुछ ज्यादा हद तक अच्छी नहीं है, नॉर्मल अच्छी है लेकिन प्राइस के हिसाब से इसकी क्वालिटी ठीक है, ना होने से बेहतर है। तुम बता दीजिए।